स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने इसी चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को सिखाया था कि आप कैसे क्रिकेट के वीडियोस बनाकर घर बैठे मोबाइल के माध्यम से 50 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ का अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया तो आप जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हम चैनल तो क्रिकेट का बना लें लेकिन क्रिकेट के वीडियोस कैसे बनाएंगे, हमें क्रिकेट के वीडियोस बनाना सीखना है। तो दोस्तों, यदि आप भी क्रिकेट के वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो एकदम परफेक्ट वीडियो है। वैसे तो मैंने काफी सारे डिस्कशन कल के वीडियो में ऑलरेडी कर दिया था, इस वीडियो को देखने के बाद में कल का वीडियो जरूर देखना है क्योंकि कल का वीडियो मैंने काफी इंपोर्टेंट बनाया, तो काफी इंपोर्टेंट चीजें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे क्रिकेट के वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। एक तरह से आप सभी के लिए जो क्रिकेट के फैन हैं, जो कि क्रिकेट के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप चाहो तो क्रिकेट का चैनल बनाकर क्रिकेट के वीडियोस के माध्यम से केवल 5 से लेकर 10 दिन में आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और क्रिकेट के वीडियोस के माध्यम से 50 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। क्रिकेट के वीडियोस बनाने के लिए कुछ इंपोर्टेंट चीजों की, कुछ इंपोर्टेंट डाटा की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैंने इस डाटा पर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कल के वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है कल उन्होंने वीडियोस को नहीं देखा हो। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी भी वीडियोस को बनाते हैं, चाहे क्रिकेट के वीडियोस या फिर कुछ और के वीडियोस हो, आपको कुछ डाटा की जरूरत पड़ती है, कुछ कंटेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हमें क्रिकेट के वीडियोस बनाना सीखना है तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी न्यूज की, उसी के बेसिस पर ही तो आप क्रिकेट के वीडियोस बना पाओगे ना। तो दोस्तों देखिए, न्यूज के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी को पता है गूगल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी प्रकार की न्यूज आराम से आप चेक कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपको गूगल का यूज करना है क्योंकि गूगल पर भी बहुत सारे और भी माध्यम है, जैसे कि आप ई पेपर का यूज कर सकते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप ई पेपर का यूज करते हैं या फिर ई पेपर पढ़ते हैं, तो दोस्तों डायरेक्टली आप गूगल से उस पेपर को पढ़ सकते हैं। क्योंकि पेपर में क्या होता है, ये जो मैच होने वाले होते हैं उन मैच से रिलेटेड काफी सारे ये जो इंफॉर्मेशन है वो दी रही होती है, उनके बेसिस पर आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों पहला तो आपको न्यूज की जरूरत पड़ेगा, न्यूज के लिए डायरेक्टली आप ई पेपर का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं या फिर बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी होती है, वहां पर भी आप डायरेक्टली न्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको न्यूज कहां से लेना है, गूगल से लेना है। दूसरा दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगा पिक्स का। दोस्तों देखिए, यदि आप क्रिकेट के वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिकेट के वीडियोस बनाते समय आप किसी के वीडियोस या फिर शॉर्ट क्लिप्स का यूज नहीं करें, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट वीडियोस या फिर किसी दूसरे के वीडियोस डालते हैं बीच बीच में तो इस प्रकार के जो चैनल्स होते हैं काफी रिस्की होते हैं, वीडियोस पर आपकी स्ट्राइक आने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, आपको ये जो वीडियोस बनाना सीखना है वो पिक्स के माध्यम से सीखना है। जो भी YouTube पर आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं जिनके ऑलरेडी क्रिकेट के ऊपर काफी बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी केवल पिक्स के माध्यम से ही वीडियोस को बनाते हैं क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस सेफ रहते हैं और उनका चैनल भी फ्यूचर में सेफ रहता है। तो दोस्तों ये जो पिक्स है ना, आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली आप गूगल पर जाओगे, कोई भी क्रिकेटर्स या फिर कोई भी टीम का यदि आप नाम डालोगे तो उससे रिलेटेड काफी सारे पिक्स आ जाते हैं, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पिक्स के लिए आपको ध्यान रखना है, जो भी पिक्स आप डाउनलोड कर रहे हैं वो वाटरमार्क फ्री होना चाहिए, उस पर कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए। यदि आप वाटरमार्क या फिर लोगो वाला पिक्स यदि आप डाउनलोड करोगे तो दूसरे वाली कंपनी या फिर यूट्यूबर्स जो भी एजेंसीज है वो उन पिक्स पर क्लेम कर सकते हैं। इसलिए जो भी पिक्स का यूज करें वाटरमार्क और लोगो फ्री होना चाहिए पिक्स। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पिक्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर कोई भी आपको वाटरमार्क या फिर लोगो नहीं मिलता है, वो काफी अच्छी पिक्स होती है, कॉपीराइट फ्री पिक्स होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज तो आपको पिक्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया कहां से डाउनलोड करना है। तीसरी चीज आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं डायरेक्टली आपको सजेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब पर जाइए और एनसीएस
नो कॉपीराइट सॉन्ग्स म्यूजिक, आप डायरेक्टली सर्च करिए, काफी सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे। और ध्यान रखना, ये जो म्यूजिक है एनसीएस म्यूजिक नो कॉपीराइट होते हैं, इन पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आता, ना ही इस प्रकार की जो म्यूजिक होते हैं इन पर कोई क्लेम आता है। लेकिन ध्यान रखना, केवल आपको एनसीएस यानी कि नो कॉपीराइट सॉन्ग ही यूज करना है, इसके अलावा आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे, वो सॉन्ग्स नहीं यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरी चीज तो ये, चौथी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी काइनमास्टर ऐप की। दोस्तों देखिए, काइनमास्टर ऐप आपको डायरेक्टली आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे काफी सारे एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से आप काइनमास्टर का जो एप्लीकेशन होता है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर ऐप की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर लूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्रिकेट के वीडियोस बनाने के लिए इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले न्यूज की, दूसरे पिक्स की, तीसरे बैकग्राउंड म्यूजिक की, और चौथा काइनमास्टर ऐप। स्टार्टिंग में काइनमास्टर ऐप को आपको चलाना सीखना है, थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। स्टूडेंट, यहां पर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूं डायरेक्टली अपने काइनमास्टर ऐप पर, जहां पर मैं आपको लाइव बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको क्रिकेट के वीडियोस बनाना है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं क्रिकेट के वीडियोस बनाना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने जैसे कि अभी बताया, काइनमास्टर ऐप अपने प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं। जब आप काइनमास्टर ऐप को ओपन करोगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि काइनमास्टर थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, काइनमास्टर जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार का इंटरफेस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए, प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का रेशियो एस्पेक्ट मांगेगा। आपको 16:9 वाला जो पार्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे 16:9 पर आप क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा काइनमास्टर ऐप है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस प्रकार का इंटरफेस अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दे देगा, ठीक है। दोस्तों जब स्टार्टिंग में इस प्रकार का इंटरफेस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, मीडिया वाला जो ऑप्शन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस प्रकार आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार थोड़ा सा यहां पर रोटेशन होता है, क्योंकि यहां पर ये जो काइनमास्टर ऐप है वो आपको डायरेक्टली शिफ्ट कर रहा है आपकी मोबाइल गैलरी में, फाइल मैनेजर में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, आप डायरेक्टली गूगल से या फिर बीसीसीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डायरेक्टली पिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आप क्लियर देख रहे हैं, यहां पर ही आपको सारे वो फोटो मिलेंगे, पिक्स मिलेंगे जो कि आपने डाउनलोड किए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल पर क्रिकेट के वीडियोस बनाने के लिए काफी सारे जो फोटोज है वो डाउनलोड करके रखे हैं। आप जितने भी चाहो उतने फोटो यहां पे सिलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों फोटो का जो सिलेक्शन है आपको अपनी वीडियोस के लेंथ के बेसिस पर ही आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे 4-5 जो फोटो हैं वो यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। हालांकि ये जो फोटो है इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं तो आपको सिखाने के लिए इस प्रकार ट्यूटोरियल बना रहा हूं, इसलिए मैंने रैंडमली कोई भी फोटो है वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार फोटो एक तरह से सेट करने के बाद में आप यहां पर माइनस का बीच में पोर्शन देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप ट्रांजिशन इफेक्ट आपके राइट साइड में क्लियर यहां पर दिख रहा है। आप चाहो तो फोटो के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है काइनमास्टर में ऑलरेडी मिलता है, इस प्रकार का ट्रांजिशन इफेक्ट आप दे सकते हैं। इस प्रकार आपको क्लिक करना है, फिर से आपको ये जो माइनस वाला पार्ट है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे राइट साइड में ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी काइनमास्टर में इंस्टॉल करके रखे हैं, वैसे तो काफी सारे बाय डिफॉल्ट काइनमास्टर में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं मिले थोड़ा सा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो कब और कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको नीचे की साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है, आपकी न्यूज आपको तैयार करनी है। न्यूज आपको डायरेक्टली आप रफ पर भी रख सकते हैं, पेज पर आपको लिख सकते हैं, और पेज पर लिखने के बाद में आपको वॉइस ओवर करना। वैसे आप चाहो तो वॉइस ओवर डायरेक्टली एक्स्ट्रा ऐप से भी कर सकते हैं, और काइनमास्टर में भी ये जो वॉइस का आप पोर्शन देख रहे हैं, पार्ट दे रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप यहां से भी डायरेक्टली जो वॉइस है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे आपको रिकॉर्ड करके डायरेक्टली दिखा देता हूं। मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में 23 अक्टूबर को मैच होने वाला है। अब यहां पर आपको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है वो आपको मैं डायरेक्टली लाइव बता देता हूं। तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तरीके से मैच होने वाला है। अभी टाइम ही बताएगा कि 23 अक्टूबर को होने वाले मैच में
इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। वैसे तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कैप्टनशिप कर रहे हैं, यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम कैप्टनशिप कर रहे हैं। अब इन कैप्टन में कौन होगा पावरफुल, कौन अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा 23 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार आपको डायरेक्टली यहां पर क्या करना है, वॉइस ओवर करना है। हालांकि आप मेरे से बेहतर वॉइस ओवर कर सकते हैं, मैं अच्छा करता हूं वॉइस ओवर की बुरा ये तो आप कमेंट्स में बताइए, लेकिन मेरा मकसद केवल आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से दिखाना था कि आपको किस तरह से वॉइस ओवर करना है। दोस्तों देखिए, जब आप वॉइस ओवर कर दोगे तो आप क्लियर देख सकते हैं, नीचे की साइड में लेयर में आपकी टोटल जो वॉइस ओवर है वो आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, वीडियोस को बनाते समय वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के बाद में आपको अपने वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक की लगाना, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आपके वीडियोस की क्वालिटी को काफी बढ़ा देता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि ऑडियो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं राइट साइड में, यही काइंड मास्टर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर काफी सारे जो म्यूजिक है जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके देखिए दोस्तों, नीचे की साइड में डायरेक्टली ऐड हो चुका है, यहां पर आपका ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है लग चुका है। दोस्तों देखिए, बैकग्राउंड का जो साउंड है आपको कम ही रखना है। और साउंड कैसे कम करेंगे, इसके लिए आपको ये जो लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में राइट साइड में आपको देखिए स्पीकर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं, अपना जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको कहूंगा कि आप 20 से लेकर 25 के बीच में अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक का लेवल है वो रखें। यदि ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक का लेवल रखोगे तो आपकी वॉइस कम आएगी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का जो एक तरह से वॉइस है वो ज्यादा आएगा, उससे आपकी जो ऑडियंस है उसको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल स्लो रखना है, जबकि आपको अपनी जो मेन वॉइस है वो आपको हायर रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार आप वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं ये जो वीडियो है वो कैसे लगेगा। दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं, जब भी इस प्रकार का वीडियोस आए, कुछ इस प्रकार का जो वीडियोस है वो आपके सामने आएगा। वैसे तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल है, वैसे तो मैं काफी अच्छा वीडियो बनाता हूं, और मैंने आपको केवल ट्यूटोरियल के माध्यम से कुछ बेसिक चीजें जो कि इस वीडियो के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया है। जब आप वीडियो बनाना सीखोगे, वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आप आराम से बहुत अच्छा वीडियो बना पाओगे, अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस इन्हीं चीजों का थोड़ा सा यूज करना है, फोटो का यूज करना है, ट्रांजिशन का यूज करना है, वॉइस रिकॉर्ड करनी है, और अल्टीमेटली आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है। उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार का जो वीडियोस है वो बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, यहाँ पर शेयर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक्सपोर्ट का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, आपका ये वीडियोस अब एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर टोटल वीडियोस आपका एक्सपोर्ट होके फाइल मैनेजर में जाकर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अपने चैनल पर वीडियोस को डाल सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में केवल आपको इतना सा करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप क्रिकेट के वीडियोस बिल्कुल अपने मोबाइल के माध्यम से आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आएगी वीडियोस को बनाने में, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, 4-5, 5-6 वीडियोस आप बनाओगे तो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिकेट के वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको एडिटिंग का यूज करना है। यदि बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पर बहुत सारे काइंड मास्टर पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और क्रिकेट के वीडियोस बनाकर इसी मोबाइल के माध्यम से जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप आराम से 50 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के माध्यम से आपको काफी फायदा मिला होगा। यदि फायदा मिला है तो इस वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।